हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा प्लान है वो 20 फीट बाई 65 फीट का प्लान है, जिसको हमने 3 रूम के साथ प्लान किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें ऊपर दिए हुए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी के वन साइड रोड है और 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टियाँ हैं। आउटर वॉल को हमने 9 इंच में रखा हुआ है। यहाँ से हमारी एंट्री होती है। एंट्री करते ही पार्किंग स्पेस और स्टेयरकेस ब्लॉक है। यहाँ से ये स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा और स्टेयर के नीचे आपकी कार पार्क होगी। फ्रंट पर हमने टेम्पल दिया है 3 फीट बाई 5 फीट 3 इंच का। यहाँ से आप एंट्री करते हैं ड्राइंग रूम में। ये हमारा ड्राइंग रूम रहेगा 8 फीट 3 इंच बाई 13 फीट का। यहाँ इसका विंडो रहेगा वेंटिलेशन के लिए। इस तरफ सेटिंग एरिया रहेगा, सामने पर टीवी यूनिट रहेगा और यहाँ हमारा ओपन आर्च रहेगा जो कि कनेक्टेड रहता है डाइनिंग लॉबी एरिया से। डायरेक्ट एंट्री आपको मिलेगी पार्किंग एरिया से घर में जाने के लिए। एंट्री करते ही ये हमारा डाइनिंग लॉबी एरिया रहेगा 12 फीट बाई 11 फीट का। इस तरफ हमारा ओपन किचन रहेगा 6 फीट बाई 11 फीट का, जिसमें ये हमारा प्लेटफॉर्म रहेगा। यहाँ से ये हमारा पार्टीशन रहेगा और फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा लिविंग हॉल रहेगा 13 फीट 2 इंच बाई 12 फीट 4.5 इंच का। लिविंग हॉल में ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा 4 फीट 8 इंच बाई 8 फीट का। और यहाँ एक OTS रहेगा वेंटिलेशन के लिए, जिसे टॉयलेट का भी वेंटिलेशन रहेगा और आपके लिविंग हॉल का भी वेंटिलेशन रहेगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ बराबर में 2 हमने बेडरूम प्लान किए हुए हैं जो कि कनेक्टेड रहेंगे लिविंग हॉल से। दोनों बेडरूम का सेम साइज रहेगा 9 फीट 1 इंच बाई 14 फीट। दोनों बेडरूम में पीछे जाने के लिए डोर और उसके साथ वेंटिलेशन के लिए विंडो दे रखा है। तो ये इसका लेआउट रहेगा। इस तरफ बेड की पोजीशन रहेगी, सामने पर टीवी यूनिट और इस तरफ अपना वार्डरोब रहेगा। और सेम लेआउट आपके लिए इस बेडरूम में मिलेगा। और ये हमारा ओपन रियर यार्ड रहेगा जो कि 6 फीट चौड़ा है, जहाँ आप अपनी वॉशिंग मशीन वगैरह रख सकते हैं या फिर दोनों बेडरूम के लिए कूलर या फिर विंडो एसी आसानी से लगा सकते हैं। और एक कॉमन टॉयलेट आपको पीछे मिलेगा बैक एरिया में 4 फीट बाई 6 फीट का। तो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये प्लान अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो आप हमें ऊपर दिए हुए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।